आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 5, 10 और 10। हम सभी जानते हैं कि हर एक के अपने जीवन के अंदर कर्म करते हैं तो कर्म करते अपने कुछ फर्ज होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं और कुछ धर्म भी होते हैं। परंतु हम ब्राह्मणों के जीवन का क्या फर्ज है वो आज हम बच्चों को बाबा ने बताया है। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है सबको स्थाई सुख और शांति का रास्ता बताना, क्योंकि सारे ही विश्व की सर्व मनुष्य आत्माएं सुख और शांति को चाहती हैं। तो बाबा कहते हैं, शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो, अर्थात सभी को सर्व को शांति की सौगात दो। आज का प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उसका उत्तर बाबा कहते हैं, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही वो चलेगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, अर्थात स्वयं परमपिता परमात्मा भी एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर के प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत आज का बजा है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तुम्हारी कसम, तुम्हारे हैं जब तक दम में है दम तुम्हारी कसम। तो ये है मीठे मीठे शिव बाबा से हम आत्माओं के वायदे का गीत, जो हम सभी ने उसके शब्दों को सुना। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बन करके रहना है। कोई गाली दे, कोई दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना है। नंबर दो, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना भी नहीं है, बाप से सच रहना है। वरदान है मनन शक्ति द्वारा, हम जो कुछ भी सुनते हैं उसके ऊपर मनन चलता है, तो मनन की शक्ति के द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में सिमरति ही वास्तव में शक्ति है, अर्थात बाबा की याद ही शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को सिमरति में लाओ और उसके ऊपर मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार हो नहीं सकता, परवश हो नहीं सकते, क्योंकि माया
सबसे पहले क्या करती है? व्यर्थ संकल्प रूपी बाण के द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। और आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अतः हम क्या करेंगे, सबकी दुआएं लेते रहेंगे और देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओ मानव दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात, आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं।